नागपुर जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि ढाबे या होटल में ग्राहकों होटल या ढाबा मालिक द्वारा शराब दी जा रही है तो ये कानूनन जुर्म है। यदि होटल रेस्टोरेंट या ढाबों पर ग्राहक शराब पीते नजर आए तो होटल ढाबा मालिक पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसलिए लोगों से डीसीपी मतानी ने अनुरोध किया है कि वे पुलिस को इस संबंध में जानकारी दें। नमस्ते, मैं लोहित मतानी, डीसीपी जोन 3 नागपुर सिटी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर या तो खुद से शराब लाकर पीते हैं या फिर होटल ढाबे का ओनर उनको शराब पिलाता है तो ये महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर गुनाह है। ये अलाउड नहीं है। केवल लाइसेंस ओनर बार वाले ही शराब पिला सकते हैं या फिर शराब खरीद कर कस्टमर अपने घर पर शराब पी सकता है। तो अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले पर शराब पीता है तो कस्टमर पर तो गुनाह दाखिल होगा ही होगा, लेकिन जो उनको पहुंचा रहा है, जो उस जगह के मालिक हैं, उन पर भी गुनाह दाखिल होगा और उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा सकती है और उनको अपनी ढाबा या होटल बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि कोई भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले अपने जगह पर किसी को शराब पीने ना दें और शराब पहुँचाए भी नहीं।